आइए अब आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं 18वीं लोकसभा के स्पीकर का आज चुनाव होना है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी के सांसद ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार हैं। आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा में संख्या बल सत्ता पक्ष एनडीए के पास है। Number is not an issue because they are denied opposition demand for deputy speaker post. That's why we are contesting against the speaker post. Sir, TMC भी आपसे खुश नहीं, उन्होंने कहा कि अकेले डिसीजन ले लिया जबकि इंडिया अलायंस में, ऐसे में सबसे पूछना चाहिए था। ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आया था, फिर हम एक्सप्लेन कर दिया क्या कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन गैप हम एक्सप्लेन कर दिया, देन टीएमसी अंडरस्टैंड वाई इट वाज नॉट हैपन बिफोर दैट। सो नाउ यस्टरडे इवनिंग इंडिया अलायंस पार्टनर्स मीटिंग दे अटेंडेड डेरिक ओब्रेन एंड ऑल्सो कल्याण बैनर्जी बोथ लीडर्स अटेंडेड द मीटिंग वी एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हाट हैपन द filing nomination and what happened, we explained, they understand. Also, they now today they will part of India Alliance. Sir, अगर 11 बजे तक भी India government आप लोग से कहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद हम दे देंगे, तो क्या आप लोग अभी भी पीछे हट सकते हैं? I don't believe that they will offer to deputy speaker post because if their mind is deputy speaker post given to opposition yesterday, they can give assurance, but their mind is entirely different. That's why we are not expecting any offer from the last moment. Sir, Rahul Gandhi ko LOP chuna gaya, aapko lagta hai ye aapki strength mazboot karega, aap chunav mein bhi uska koi effect hoga? Ye acha decision hai Rahul ji ko, hum sara log request kar diye, even CWC working committee adopted a resolution for Rahul Gandhi take over leader of opposition. He accepted the request of Congress Working Committee and crore secular people demand him to take over as opposition leader. Sahyogi Sanjeev ke saath Shubham Pratap, Network 18, Delhi. के सुरेश को आप सुन रहे थे। अब देखिए, स्पीकर चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। के सुरेश का समर्थन टीएमसी करने जा रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए आज एक बार फिर से घमासान देखा जाएगा। सदन के संसद के दूसरे दिन जो सत्र चल रहा है, उसी में आपने घमासान देख लिया, किस तरह से उठा पटक मची है। स्पीकर पद के चुनाव के लिए जहां पहले कभी चुनाव नहीं हुए हैं इतिहास में, अब इस इतिहास के पन्नों में आज का दिन जो दर्ज होगा वो लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव को लेकर दर्ज हो जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष के पास संख्या बल भरपूर है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर आज देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि चुनाव किस तरह से होता है। विनीत हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे दिल्ली से। इस समय विनीत हमारे साथ मौजूद है, लाइव सीधे रुक करेंगे विनीत की तरफ। विनीत, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास के पन्नों में आज का दिन भी दर्ज हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज होने जा रहा है। तो आज क्या कुछ होने वाला है, इस समय क्या सियासी हलचल दिल्ली में मची हुई है, इस पर आपसे सबसे पहले अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि 11 बजे का समय है जब चुनाव शुरू होगा सदन में। हाँ जी कंचन, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले प्रस्तावक होंगे जो लोकसभा के लिए अध्यक्ष के लिए एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरले के नाम के प्रस्ताव करेंगे। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, कई वे तमाम मंत्री जो हैं वो प्रस्ताव करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष के भी तमाम नेता हैं, वो भी वे सुप्रिया सुले हों या फिर वे कई अन्य नेता हैं, वो भी वे इससे का प्रस्ताव रखेंगे अपने उम्मीदवार के सुरेश का, और उसके बाद जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। एक बड़ी बात
लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो हम बात करें सत्ताधारी एनडीए पक्ष या विपक्षी पार्टियां, वो दोनों की कोशिश रहेगी कि अपनी स्ट्रेंथ जो है अधिक से अधिक दिखाएं, क्योंकि अगर प्री पोल अलायंस की बात करें और उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो बीजेपी और एनडीए के पास 292 का आंकड़ा जो है वो है, तो बीजेपी एनडीए यह चाहेगी कि इससे ज्यादा आंकड़ा वो हासिल कर ले ताकि विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो बनाया जा सके। इसको लेकर के लगातार बीजेपी के जो लोग हैं, एनडीए के जो लोग हैं, वो तमाम ऐसे दलों से बात कर रहे हैं जिनके कोई प्री पोल अलायंस नहीं था, जिसमें बीजेडी जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनडीए की ओर से लगातार बीजेडी से बात की जा रही है, इसके साथ ही साथ वाईएसआर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को समर्थन दे सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने 2014 के बाद कई मौकों पर बीजेपी एनडीए को समर्थन दिया था, तो बीजेपी की ओर से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि अपना संख्या बल को जो है वो अधिक से अधिक जताई जा सके, दिखाई जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह कवायद की जा रही है, निर्दलीय सांसद जो है उन्हें भी अपने पाले में करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है, एनडीए की ओर से लगातार की जा रही है, और यह दिखाने की यह कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है वो एनडीए के उम्मीदवार जो है वो जीते, अधिक से अधिक संख्या से जीते। एक बात तो तय है, क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो बीजेपी के जो और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं ओम बिरला, उनका जीतना जो है वो लगभग तय है। अब बाकी यह हो जाता है कि नंबर्स किसके पास अधिक है, कितने मार्जिन से बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार जीतती है, इसको लेकर के कवायद जो है वो चल रही है। जी विनीत, आप नजर बनाए रखिए, आज की सबसे बड़ी खबर है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल की जानकारी के लिए।